पुलिस वालों ने एकदम अल्लाह अकबर पढ़ के हमें मारना शुरू कर दिया और ना जब हम मार रहे थे तो ज्यादा वो कह रहे थे अब नहीं बचोगे। नाज़रीन, सियासत है ये साजिश के साथ मुईद पीरज़ादा और फवाद चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलामु अलैकुम। आज एक बार फिर डेवलपमेंट्स तो बहुत सी हैं, लेकिन जो पहली इंपॉर्टेंट की डेवलपमेंट है जिससे हम आज के इस प्रोग्राम यानी सियासत है या साजिश का आगाज करना चाहते हैं, उसका ताल्लुक उस डेवलपमेंट से है जब दो दिन पहले पाकिस्तान के साबका फाइनेंस मिनिस्टर जनाब सलीम मांडवेवाला साहब ने सेनेट की कायमा कमेटी के सामने डायरेक्टर जनरल आईबी के ऊपर और नवाज शरीफ साहब की हुकूमत पे यह इल्जाम लगाया कि वो उनके समेत बहुत से पार्लियामेंटेरियंस के फोन टैप करते हैं यानी कि रिकॉर्ड करते हैं। यह इल्जाम हमेशा लगता रहा है। आपको याद होगा डिफरेंट टेलीविजन चैनल्स पे बैठ के मैंने और फवाद चौधरी ने हमेशा यह सवाल उठाया कि आईबी फोन रिकॉर्ड करती है, सहाफियों के करती है, टेलीविजन चैनल्स के ओनर्स के रिकॉर्ड करती है, मिलिट्री अफसरान के फोन रिकॉर्ड करती है, सियासतदानों के रिकॉर्ड करती है, ऑपोजिशन के करती है और हुक्मरान जात के करती है। जाहिर है आईबी कहेगी कि रिकॉर्ड लाएं, इसकी एविडेंस लाएं, कोई इंटेलिजेंस एजेंसी से ये एविडेंस हासिल नहीं कर सकता, लेकिन हम इंटेलिजेंस एजेंसी ही के लोगों से ये सुनते हैं कि वो ऐसे फोन रिकॉर्ड करते हैं, किस किस के कर रहे हैं, ये बात जो है ये पता चलती है। आज पहली दफा ये है पाकिस्तान में कि एक पार्लियामेंटेरियन ने एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पैदा कर दी है। सेनेटर सलीम मांडवेवाला ने एक लेटर, एक ऑफिशियल लेटर दिखाया सेनेट की कायमा कमेटी को, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। यहां यह सवाल पैदा होता है कि वजीर आजम नवाज शरीफ साहब की जमहूरी हुकूमत का तर्ज हुकूमत क्या है और उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी जो है आईबी, उसको किन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सेनेटर सलीम मांडवेवाला साहब हमारे साथ हैं वाया सेटेलाइट लिंक, उनसे बात का आगाज करते हैं। सेनेटर साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर साहब, आपने बड़ी जरूरत का सलीम मांडवेवाला साहब मुजाहरा किया है कि ऐसे मुल्क में जहां इस किस्म की प्रैक्टिसेस को कभी किसी सियासतदान ने चैलेंज नहीं किया, आप सामने आए, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं यू नो टेकिंग योर नेक आउट, स्टिकिंग योर नेक आउट, और आपने इसको चैलेंज किया है। आपको पता कैसे चला और क्या एविडेंस आपके पास थी? मोहित साहब, एक्चुअली प्रिविलेज कमेटी में पहले भी हमारे कुछ सेनेटर रजा रब्बानी साहब, हाजी अदील साहब, इन्होंने ये इशू उठाया था सेनेट हाउस में भी और वो प्रिविलेज कमेटी को रेफर हुआ था और इसका जवाब भी आया था आईबी की तरफ से कि जी हम उन लोगों के फोन टैप करते हैं जो नेशनल सिक्योरिटी या कंट्री रिस्क में मतलब पाकिस्तान को रिस्क हैं। तो मुझे भी ये इंट्यूशन थी कि शायद मेरा भी फोन हो रहा हो, तो मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि आपका भी फोन टैप हो रहा है, तो मैंने उसको कहा जी इस तरह वर्बली तो सबको पता बताया जाता है मगर कभी पता नहीं चलता कि जी एक्चुअली हो रहा है कि नहीं, ना कोई एविडेंस मिलता है। तो उन्होंने मुझे किसी तरीके से ये एविडेंस प्रोवाइड किया, तो मैंने प्रिविलेज मोशन लॉन्च किया दूसरे सेनेटर्स के साथ मिलकर और ये डीजीआईबी के साथ हमने ये उनको ये प्रेजेंट किया। तो उन्होंने पहले तो डीजीआईबी ने क्या कहा, जवाबन क्या कहा डीजीआईबी ने? उन्होंने कहा जी मेरी नॉलेज में तो नहीं है कि किसी का फोन टैप हो रहा है और ना मुझे पता है कि आपका फोन टैप हो रहा है। तो मैंने कहा जी पहले मैंने यही पूछा कि मैंने कहा जी किन लोगों के फोन टैप किए जाते हैं? उन्होंने कहा जी जो नेशनल सिक्योरिटी रिस्क लिस्ट में लोग आते हैं या दे आर रिस्क टू पाकिस्तान। तो मैंने उनको ये भी पूछा कि आर पार्लियामेंटेरियंस रिस्क टू पाकिस्तान? तो उन्होंने कहा नहीं जी ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर मैंने उनको ये एविडेंस प्रोवाइड किया। तो, मैंने कहा तो जब देखें, आप ये मामला प्रिविलेज कमेटी पे लेके गए तो इससे पहले आपने चेयरमैन सेनेट के नोटिस में भी ये बात लाए और हुकूमत से भी किसी सतह पर आपकी बात हुई और आपने ये मामला उठाया मांडवीवाला साहब? नहीं, मैं चेयरमैन सेनेट की नॉलेज में ये बात जरूर आई क्योंकि उन्हीं के ऑफिस के थ्रू ये चीज रेफर होती है टू दी प्रिविलेज कमेटी और उन्होंने ही इसको रेफर किया प्रिविलेज कमेटी को कि इसको देखा जाए। मगर इसको प्रोसेस करते करते कुछ महीने गुजर गए तो उसके बाद फिर ये बात आई और डीजीआईबी ने पहले तो देख के ये कहा कि जी मुझे तो ये लेटर बोगस लग रहा है। तो उस पर रजा रब्बानी साहब ने उनको ये कहा कि अगर ये बोगस है तो आप हमें राइटिंग में ये प्रोवाइड करें या लिख के दें कि ये लेटर बोगस है।
और प्रिविलेज कमेटी को इस वक्त हेड कौन कर रहा है और मेंबरान कौन कौन से हैं? जी मशदी साहब हैं, हमारे बड़े पुराने सेनेटर हैं, वो हेड कर रहे हैं इसको। और बाकी मेंबरान में कौन है? बाकी मेंबरान में रजर रबानी साहब हैं, हाजी अदील साहब हैं, और यानी तमाम डसे हुए लोग शामिल हैं। हुसैन है, तमाम डसे हुए लोग शामिल हैं जी, तमाम डसे हुए लोग शामिल हैं। तो क्या फिर उनका रिएक्शन क्या था मांडवीवाला साहब? उन्होंने कोई गुस्सा शुसा नहीं किया, क्या किया? मतलब ऑब्वियसली जी, मतलब जनरली तो पार्लियामेंटेरियंस ये फील करते हैं कि उनके फोन टैप किए जाते हैं और हमेशा, मगर जो मुझे पर्सनली तकलीफ हुई वो ये तकलीफ हुई कि एक डिक्टेटरशिप में तो सियासतदानों के फोन टैप किए जाते हैं, और मतलब ये हम हमेशा देखते आए हैं और मैं बाहर भी सियासत से बगैर देखता आया हूं, मगर एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट, एक पॉलिटिकल अपोजिशन का फोन टैप करे, ये तो एक बड़ी अनयूजुअल सी बात हो जाती है। और मैं जिस हुकूमत का हिस्सा थे वहां पर भी तो फोन टैप होते हैं। बल्कि फवाद मैं आपसे पूछना चाहता था, थोड़ा सा ग्राउंड वर्क इसका लेकर दें, मांडवीवाला साहब हमारे साथ हैं। फवाद देखिए, वाटरगेट स्कैंडल जो था निक्सन एडमिनिस्ट्रेशन का, वो फोन टैपिंग, फोन हैकिंग और रिकॉर्डिंग स्कैंडल था जिसपे प्रेसिडेंट निक्सन की हुकूमत जाती रही, जो अमरीका के अंदर एक बहुत बड़ी चीज थी। आपको क्या लगता है कि इस्लामाबाद में ये जमहूरी हुकूमतें जिस तरह से इंटेलिजेंस ब्यूरो को और जिस तरह से ISI को इस्तेमाल किया जाता है लोगों की प्राइवेट जिंदगी अंदर इंट्रूड करने में, नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे, एक वकील की हैसियत से जिसने कानून पढ़ा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन को देखता है, क्या मुझे बताएंगे आप? देखिए डॉक्टर साहब, पहली बात तो यह है कि आईन का आर्टिकल 14 जो है वो राइट ऑफ प्राइवेसी देता है, और आपको पता है कि राइट ऑफ प्राइवेसी जो है उसको इसलिए भी बड़ी हम अहमियत यहां पर देते हैं कि वो इस्लामिक राइट है, राइट ऑफ प्राइवेसी जो है, और उसका एक बहुत बड़ा जाहिर है कि बैकग्राउंड है। अब इसके ऊपर जो आर्टिकल 14 है उसके ऊपर जो दो अहम वाक्य, वैसे तो बहुत ज्यादा है लेकिन जो दो अहम केसेस हैं, एक तो केस है जब बेनजीर भुट्टो साहिबा की दूसरी हुकूमत को बरतरफ किया गया तो उनके ऊपर बाकी इल्जामात के अलावा ये इल्जाम भी था कि वो जजेस के और पार्लियामेंटेरियंस के फोन टैप करा रही थी वो गवर्नमेंट, और सुप्रीम कोर्ट हेल्ड कि ये इतना सीरियस ऑफेंस है फोन टैप कराना कि इसके ऊपर हुकूमत को डिसमिस भी किया जा सकता है, क्योंकि उस वक्त आर्टिकल 58(2)(b) आपको याद है कि आईन के अंदर था। दूसरी बार जब इसका बहुत गुलगुला मचा तो आपको याद है कि 2007 में जब इफ्तिखार चौधरी साहब के ऊपर रेफरेंस आया, बिल्कुल तो अप्रैल मार्च अप्रैल मई में 2007 के, तो मलक कयूम साहब ने जो उस वक्त के अटॉर्नी जनरल थे, उन्होंने कुछ ऐसी दस्तावेज साथ लगा दी जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो बिल्कुल सिखपा हो गए, और उन्होंने एक मौके के ऊपर तो यह भी कह दिया कि जो कर रहा है उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार भी किया जाए। ये आपको पहले से तो टेलीग्राफ एक्ट सेक्शन 25 में आपको पता है कि किसी भी इस तरह की कम्युनिकेशन को इंटरप्ट करना ऑफेंस है। अच्छा, अब दुनिया भर में एक आपको जो सर्विलेंस है, अब इसका नाम थोड़ा टेलीफोन टैपिंग से थोड़ा आगे चला गया है, अब हम इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस में चले गए हैं क्योंकि अब इसमें ईमेल भी शामिल हो गई है, इसमें जो वेब के ऊपर गुफ्तगू होती है वो भी शामिल हो गई है, अब उसकी टैपिंग के इश्यूज हैं। एक तरफ इंटरनेशनल क्राइम है लेकिन दूसरी तरफ हुकूमतें इसको मिसयूज करती हैं अपने पॉलिटिकल फायदों के लिए, ये एक बैलेंस है जो अचीव करना है। लेकिन फवाद, अगर मैं आपसे पूछूं एक शहरी की हैसियत से, एक वकील की हैसियत से, कि जाहिर है अगर अब ISI को या IB को जब भी बुलाया जाएगा वो कहेंगे जी हम तो नहीं करते, हम तो सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी में करते हैं, और उनके अंदर से कोई रिकॉर्ड हासिल करना या दस्तावेजात हासिल करना या उनसे मांगना तो बड़ा मुश्किल होगा, तो क्या किया जाए? अदालतों को, अदालतें क्या करें, कोर्ट्स क्या करें, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस क्या करें, मीडिया क्या करें कि ये जो माल प्रैक्टिस है, ये जो अब्यूज ऑफ अथॉरिटी है जिसके जरिए एक खौफ की रियासत खड़ी की जाती है पाकिस्तान में, इसका रास्ता रोका जा सके, क्या आप सजेस्ट करेंगे? देखिए, कानून के ऊपर अमल दरामद कराना और ये इंश्योर करना के कानून है वो तो अदालतों का काम है, लेकिन हमारे यहां होता यह है कि जब अदालत के किसी जाती मामले के ऊपर हो तो जजेस बड़े ओवर कॉन्फिडेंस सेंसिटिव होकर बात करते हैं, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट के, जो जेन्युइन पब्लिक इंटरेस्ट के मामलात हैं, वहां पर हमारी अदालतों ने उस तरह की जो कह लें कि जुडिशियल एक्टिविज्म जो दिखाना चाहिए उतना वो नहीं दिखाते मौकों के ऊपर। अब जैसे सलीम मांडवीवाला साहब जैसे ताकतवर जो सेनेट में भी बैठे हुए हैं, एक पूरी पाकिस्तान की जो दूसरी बड़ी पार्टी है अददी एतवार से, उसके वो सेनेटर है, साबिक फाइनेंस मिनिस्टर है, इस तरह के लोगों का वो फोन टैप करें, लेकिन आपको पता है, मुझे पता है
कि ये तो अपोजिशन के सेनेटर है, हुकूमत के जो ताकतवर तरीन वुजरा है वो भी अपनी प्राइवेट महफलों में बताते हैं कि उनके फोन टैप हो रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर के बिल्कुल आपको मालूम है कि ISI और IB जो दो बड़े इदारे हैं दोनों वजीर आजम की बराह रास्त निगरानी में काम करते हैं, और जो कानून है हमारे मुल्क का जो अभी पास हुआ उसमें एक पोपा एक्ट है, पाकिस्तान प्रोटेक्शन एक्ट जो है, उसमें यह तरीकाकार वजह किया गया है कि अगर आप किसी का टैप करना चाहते हैं फोन तो आपको हाईकोर्ट लेवल के एक जज से उसकी इजाजत लेनी होती है। जिस तरह अभी मांडवीवाला साहब ने हमें बताया कि जो मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस है, IB ने आके कहा कि हम तो सिर्फ उनके फोन टैप करते हैं, लेकिन उनकी भी आइडेंटिफिकेशन होना जरूरी है, हाईकोर्ट लेवल के एक जज जो है वो उसके ऊपर अपनी हियरिंग करेगा और वो फैसला करेगा कि इसको आप कर सकते हैं या फिर वो परमिशन देगा। अच्छा, ब्रेक से पहले मांडवीवाला साहब से एक सवाल क्विकली, और मांडवीवाला साहब क्या आपने ये सवाल उठाया कि मतलब क्या कोई परमिशन ली जाती है, ये प्रोसेस क्या है, किस तरह से आप करते हैं, किसके करते हैं, ये सवाल तो उठाए आपने सेनेट में? जी बिल्कुल उठाए, और सिर्फ मैंने नहीं उठाए, रजा रब्बानी साहब ने भी उठाए, और उन्होंने DGIB ने ये जवाब दिया कि ओनली प्राइम मिनिस्टर इज ऑथराइज टू अलाउ टैपिंग ऑफ टेलीफोन, उनकी इजाजत के बगैर किसी का फोन टैप नहीं हो सकता, ये उन्होंने इन द कमेटी। अच्छा, ये मेरा सवाल आपसे ये होगा ब्रेक के बाद आने में कि जाहिर है अब आप पे बड़ा प्रेशर आएगा, आपने पाकिस्तान की इंटेलिजेंस कम्युनिटी को चैलेंज किया है, ऐसी इंटेलिजेंस कम्युनिटीज जो कानून के दायराकार से बाहर काम करती हैं, बड़ा प्रेशर आएगा, क्या आप और आपकी जमात खड़ी रहेगी इस असूली मौकफ पे कि जल्दी हम देखेंगे कि आप भी बैठ जाएंगे? इसी सवाल के साथ एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो यहीं से बात को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन वेलकम बैक, सीधा चलता हूं सलीम मांडवीवाला साहब की तरफ, सेनेटर सलीम मांडवीवाला जो पाकिस्तान के साबका फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। मांडवीवाला साहब, जो असूली मौकफ आपने सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में कायमा कमेटी में आपने अडॉप्ट किया है, जो इख्तियार किया है, उसका ताल्लुक पाकिस्तान में जमहूरियत के साथ भी है, उसका ताल्लुक पाकिस्तान में आजादी सहाफत के साथ भी है, उसका ताल्लुक पाकिस्तान में ह्यूमन राइट से भी है, उसका ताल्लुक सिविल लिबर्टीज के साथ भी है, प्रिवेसी के साथ भी है, जैसे कि फवाद चौधरी ने एक्सप्लेन किया, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के साथ भी है, तो क्या इस पर अब आप स्टैंड लेंगे कि तीन दिन के बाद हम देखेंगे कि आप चुप होकर बैठ जाएंगे? नहीं मोहित साहब, देखें, मैं यहां कोई स्टैंड लेने वाली बात नहीं है, बात यह है कि हम एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को सपोर्ट कर रहे हैं, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, तो दुख मुझे यह होता है कि एक जगह हम उस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं और वही गवर्नमेंट हमारे फोन टैप कर रही है, अपने कोलीग के फोन टैप कर रही है, तो उससे मतलब मुझे जो एक ये इसकी वजह ये इस चीज को हाईलाइट करने की जरूरत इसलिए पेश आई कि मुझे ये फील हुआ कि अगर हम ये एक दूसरे के साथ ये काम करेंगे तो हाउ डेमोक्रेसी विल कंटिन्यू और हाउ इट विल बी स्ट्रेंथेंड। एंड नंबर टू, आफताब शेख साहब जो मिनिस्टर थे पार्लियामेंट्री अफेयर्स के, वो आए हुए थे, मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा शेख साहब, एंड ही वॉज ऑल्सो शॉक्ड, और वो कह रहे थे मैं प्राइम मिनिस्टर से बात करूंगा और मैं उनको कहूंगा कि ये क्या हो रहा है। लेकिन मोहित, बात ये है कि जो मांडवीवाला साहब ने जो स्टैंड लिया है वो वाकई कमेंडेबल है, जिस तरह से आपने कहा आगे जाए, लेकिन हकीकत ये है कि इस हमाम में सभी जो हैं वो नंगे हैं। पीपल्स पार्टी ने भी अपने दौर में यही कुछ किया था, और बल्कि अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो राणा रहीम और रहमान मलिक साहब जो सर्विस से डिसमिस हुए थे और नवाज शरीफ साहब ने किया था, वो पीपल्स पार्टी के इंटेलिजेंस के और FIA के लोग थे, और उनके ऊपर नवाज शरीफ साहब ने प्रिसाइजली ये एलिगेशन लगाया कि वो फोन टैप कर रहे हैं, और उनको बाद में नवाज शरीफ साहब ने डिसमिस किया। और अब आकर के जब भी हुकूमत बदलती है, मसला यह है कि हम जो है जितना आगे जाते हैं हम असल में उतना ही पीछे चले जाते हैं। अब पाकिस्तान में देखें, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन एक्ट है जिसके तहत टेलीफोन टैप करना, दो चीजें, एक टैप करना और एक टेप करना।
टैप का मतलब यह है कि मेरे और आपके फोन का डाटा निकलवा लिया जाए एफबीआर से, हमारी जो टेलीफोन कम्युनिकेशन कंपनीज हैं उनसे, और उसकी भी सजा है। आपने कानून अगर देखना है तो उसमें 7 साल सजा जो है इस काम के लिए की गई है। इवन अगर आप टैप करते हैं, टेप करना, तो उससे भी बड़ा ऑफेंस है। तो असल प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहां जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनको भी एक खास कानून के अंदर लाना। आपको देखें अमेरिका में कितनी बड़ी डिबेट हुई अच्छा, है। फवाद आप बिल्कुल सही कहते हैं। मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है, मैंने अपनी डायरी में शायद लिख के भी रखे होंगे दिन और महीने, जब पीपल्स पार्टी के जमाने में उस वक्त के जो मिनिस्टर इंचार्ज थे इन तमाम चीजों के, उन्होंने मेरी शिकायत की जब मैं पाकिस्तान टेलीविजन में काम करता था कि मैं एक टॉप पॉलिटिशियन के साथ फलाफला बात मैंने की है, टेक्स्ट मैसेज एक्सचेंज किए। फिर मेरी जब उनसे बाद में मुलाकात हुई, मुझे बुला के कहा गया कि आप बात करते हैं, आपने ये कहा, तो मुझसे जब मिनिस्टर साहब की मुलाकात हुई तो मैंने उनको कहा कि मैं तो सहाफी हूं, मैं तो करूंगा बात, आपको क्या इस पर एतराज है। तो उन्होंने एडमिट किया मुझसे, उन्होंने कहा नहीं, चूंकि मैं तो चाहता था कि कहीं तुम्हें नुकसान ना हो जाए, इसलिए मैंने जाके वहां पर तुम्हारी मतलब शिकायत जो है वो लगाई है। तो ये एविडेंसेस तो हमारे सामने है। मैं चार बुनियादी पॉइंट फवाद आपके सामने भी और सलीम मांडवे वाला साहब के सामने भी रखना चाहता हूं इस हवाले से। देखिए, पहले तो इंटेलिजेंस ब्यूरो और आईएसआई दोनों, चले आईएसआई तो बहुत हद तक नेशनल सिक्योरिटी में भी है इंटरेस्टेड, आईबी तो मुझे शक है कि शायद नेशनल सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड ही नहीं है। यह टैक्सपेयर के पैसे से कायम किया एक पाकिस्तान का बहुत ही अहम इदारा है, जो प्राइवेट माफिया के तौर पर या एक प्राइवेट, यानी आप समझें कि टॉप एग्जीक्यूटिव की प्राइवेट नीड्स पूरी करने के लिए, उनकी सियासी जरूरतें पूरी करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसकी वजह से तीसरा पॉइंट यह है कि इसका जो एक्चुअल रोल है नेशनल सिक्योरिटी का, जिसको डिफाइन ही नहीं किया गया, उस रोल से ये पीछे हटता चला जाता है। और फिर चौथा इसमें पॉइंट यह है कि कैपेसिटीज, आप इन देखिए इंटेलिजेंस एजेंसीज की, आप फैसल बेस का हमला देख लें या कामरा का हमला देख लें या आईएसआई हेडक्वार्टर्स का हमला देख लें या जीएचक्यू का हमला देख लें या कामरा बेस या किसी का भी हमला देख लें पुलिस हेडक्वार्टर्स का, कहीं पर भी ये इंटेलिजेंस एजेंसी फवाद साहब उस पर कामयाब नहीं होती प्रिवेंट करने। वजह यह है कि यह डाटा कलेक्शन तो डम लेवल में सिर्फ आखिरी पॉइंट है, डाटा तो कलेक्ट कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं, ट्रांसक्रिप्ट बना लेते हैं, इनमें एनालिसिस करने की, इंटरप्रेट करने की कोई सलाहियत नहीं है, सिर्फ लोगों के स्कैंडल्स में इंटरेस्टेड होते हैं। आपको याद होगा कि टॉप पाकिस्तानी पॉलिटिशियन और खातून पॉलिटिशियन आपस में बात करते रहे, उनकी खुशगपियों को रिकॉर्ड करके एक इंटेलिजेंस एजेंसी ने उस वक्त रिलीज कर दिया इंटरनेट पर, जब वो खातून सियासतदान जो थी इस मुल्क की बड़ी ताकतवर शख्सियत और फैमिली जो थी उसके जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट थे उसके बारे में वो खातून मुसलसल टेलीविजन पर बात करती थी। तो यह बुनियादी मसला है जो मैं समझता हूं। हामिद मीर साहब की जो गुफ्तगू जो है वो भी जो है वो बाहर कर देगी, और वो भी उनका झगड़ा था जाहिर है इंटेलिजेंस। डॉक्टर साहब, बात ये है कि चाहे इंटेलिजेंस ब्यूरो हो या आईएसआई हो, ये हमारे अपने इदारे हैं। जाहिर है मेरा, आपका, सलीम मांडवी वाला साहब का, हमारा इंटरेस्ट ये है कि ये एक उस तरह ही काम करें जिस तरह दुनिया में बड़े इंटेलिजेंस, क्योंकि डॉक्टर साहब एक और भी बात हमें जहन में रखनी चाहिए, दुनिया में जो एक पुराना वॉरफेयर का तरीका था वो बदल गया है, अब इंटेलिजेंस वॉर है और इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो तमाम जंगों में फोरफ्रंट के ऊपर है। और इसीलिए आपने देखा कि पहले होता यह था कि इंटेलिजेंस एजेंसीज में उन लोगों को लगाया जाता था जो शायद इतने कैपेबल नहीं समझे जाते थे, लेकिन अब मामला रिवर्स हो गया और इंटेलिजेंस एजेंसीज में दुनिया भर में टॉप ब्रेन्स को लगाया जाता है। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज को जब भी जो हम इस ये जो बात करते हैं मॉडर्न वॉरफेयर की, उसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज ही का सबसे प्राइम रोल है। लिहाजा ना सिर्फ ये कि इंटेलिजेंस एजेंसीज को रीवैम्प करने की जरूरत है, चाहे वो आईएसआई हो या इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, बल्कि उनको कानून के दायरे में लाने की भी जरूरत है। ये नेशनल लाने की जरूरत है। मांडवे वाला साहब, योर लास्ट वर्ड बिफोर द ब्रेक, हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके और आपके सेनेटर्स जो है पार्लियामेंटेरियंस वो स्टैंड लेंगे जमहूरियत की खातर, आजादी सहाफत की खातर, इस मुल्क में सिविल राइट्स और ह्यूमन राइट्स की खातर, कुछ हमें बताएं, कुछ स्टैंड लेंगे या गुम होने वाले हैं? नहीं, मोहित साहब, हम स्टैंड जरूर लेंगे, और मेरा ख्याल है हमारे सेनेटर्स भी, और नॉट ओनली पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स, वी विल ऑल टेक अ स्टैंड, एंड वी एक्सपेक्ट कि गवर्नमेंट भी हमारे साथ स्टैंड ले और इसको देखे कि ये क्यों हो रहा है और ये क्यों, इसकी जरूरत क्या थी। और अगर पार्लियामेंटेरियंस के फोन आपको यू फील के पार्लियामेंटेरियंस आर अ रिस्क हु कम टू योर रेस्क्यू व्हेन यू नीड देम, तो मुझे नहीं समझ में आता कि, और मुझे ये भी फील हुआ कि अगर हमारी गवर्नमेंट में ये होता और डार साहब का फोन टैप हो रहा होता तो आप इमेजिन करते हैं कि सुओ मोटो एक्शन भी हो जाता, एक हंगामा भी हो जाता और पता नहीं क्या क्या हो जाता।
तो मेरा सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, हम समझते हैं नासिर मुल्क साहब से भी आप ये कहना चाहते हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान से भी कि वो भी जरा देखें आर्टिकल 14 की स्वीयर वायलेशन है। आपका बहुत शुक्रिया। हम यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब हम आते हैं नाज़रीन तो हम और टॉपिक्स पे चलते हैं कि आज जो मुजाहरे हुए कार्टून्स के हवाले से और कैसे जमातों दावों को बैन करने का फैसला हुआ उस पर भी हम बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। जैसे कि मैंने पहले कहा कि आज के दिन में बहुत सी वाकियात हुए, बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई और दो अहम डेवलपमेंट्स वो हैं जब हम देखते हैं कि कराची में अपनी तारीख के गालिबन गुस्ताखाना खाकों के हवाले से सबसे बड़े इज्तमा हुए, रैलीज निकली जिसमें इसकी मजम्मत की गई और मुतालबा किया गया कि बैरूनी दुनिया से, फ्रांस से इस मसले को हुकूमत पाकिस्तान उठाए। और हम सुन रहे हैं कि जमात इस्लामी जो है वो कल इस्लामाबाद में एक मिलियन मार्च का इसी सिलसिले में इनकाद कर रही है। ये तो एक डेवलपमेंट है। दूसरी डेवलपमेंट जिसमें हम पहले बात करना चाहेंगे वो डेवलपमेंट है जब आज पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने ये कहा क्वेश्चन आंसर में कि उन्होंने जमातों दावा समेत बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन, प्रोस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन के फंड्स जो हैं वो फ्रीज कर दिए हैं। ये स्टेटमेंट फॉरेन ऑफिस ने एक ऐसे वक्त में दी है जब अमेरिका के सदर जो हैं प्रेसिडेंट ओबामा वो 26 तारीख को हिंदुस्तान जा रहे हैं और फॉरेन ऑफिस में ये भी कहा गया कि हम एक तवक्को करते हैं कि अमेरिका के सदर जो हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो टेंशन है वर्किंग बाउंड्री पे उसका भी वहां पर मसला जो है वो उठाएंगे। यानी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी इस लेवल पर चली गई है कि हमने अगर कोई हिंदुस्तान को कंसेशन भी करनी है तो अमरीका से फिर हमने ये लेना है, ये नहीं कि कश्मीर का मसला उठाएंगे। और हमारे साथ इस वक्त इसी सेगमेंट में जमात इस्लामी के रहनुमा जनाब फरीद पराचा साहब भी हैं और पीएमएलएन के सबका लॉ मिनिस्टर पंजाब के जनाब राणा सनाउल्ला साहब भी हैं। और हम सबसे पहले आपको एक शॉट दिखाते हैं फॉरेन ऑफिस में तस्लीम असलम साहिबा का, फॉरेन ऑफिस की स्पोक्स पर्सन ने क्या कहा जमात उद्दावा के हवाले से। जमात उद्दावा एंड मेनी अदर ऑर्गेनाइजेशंस आर listed by the United Nations Sanctions Committee. Because Pakistan is a member of the United Nations, automatically incurs the obligation to take action against entities and individuals that are listed under the UN Security Council resolutions. We are required to freeze their assets. नाज़रीन अभी तो आपने पहला शॉट देखा, एक शॉट और मैं आपको दिखा दूं फॉरेन ऑफिस का जिसमें कहा गया प्रेसिडेंट ओबामा के हवाले से, वो भी सुन लें। एज अ ग्लोबल पावर, अ पावर दैट इज वेरी मच एंगेज्ड इन दिस रीजन एंड इज इंटरेस्टेड इन पीस एंड स्टेबिलिटी, वी डू होप दैट द यूएस प्रेसिडेंट वुड take up the issue of recent escalations by India on the line of control and working boundary in which many innocent Pakistanis and Kashmiris have been martyred. Rana Sanaullah sahab, assalamu alaikum. जी वालेकुम सलाम। राणा साहब मेरे हाथ में अखबारात की बहुत से प्रिंट हैं, एक एक्सप्रेस ट्रिब्यून का है, उसके अलावा बीबीसी का भी है, जिसमें यह है कि बकायदा बताया गया कि जमातों दावा की मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन को पंजाब हुकूमत आपके जमाने में मिलियन डॉलर से ज्यादा उन्होंने दिए फंड्स में। यानी इन अदर वर्ड्स यह है कि आपने समझा कि जमातों दावा एक रफाई ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूलों का काम करते हैं और चीजें करते हैं, रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। अब ये जो आप ही की हुकूमत ने पलटा खाया है इस पर आपका क्या मौकफ है? आपकी जो पहले वाली बात है वो बिल्कुल गलत और बेबुनियाद है। कौन सी सर? ये जो आपने कहा कि पंजाब हुकूमत जो है ये जमात उद्दावा को जो है वो फंड्स मिलियंस में देती रही है, दरअसल जब सर ये मेरे हाथ में सर ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून की बिल्कुल बात के हाथ में होगा लेकिन आप उसकी जो है वो रीजन सुने ना। जब जमात उद्दावा के ऊपर अकवामे मुत्तहिदा की तरफ से पाबंदियां लगाने के मुतल कहा गया तो वफाकी हुकूमत की तरफ से पंजाब हुकूमत को यह कहा गया कि इनके दफातर को और इनके जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनको आप टेक ओवर कर लें। मरीद के में इनका एक हाई स्कूल है और एक इनका हॉस्पिटल है और दूसरे इनके ऑफिस थे। जब इनके ऑफिस को टेक ओवर कर लिया गया तो उसके बाद पंजाब हुकूमत ने जवाबन पूछा वफाकी हुकूमत से और उन्होंने शायद आगे से भी पूछा होगा कि जनाब इस हॉस्पिटल का क्या करें, इसको बंद कर दें
या इस स्कूल का क्या करें, इसको बंद कर दें। लेकिन कहा गया कि नहीं, ये क्योंकि उस इलाके में बच्चों को तालीम दी जा रही है, लोगों को इलाज की सहूलत दी जा रही है, इसलिए आप इनको टेक ओवर करके जो वहां पे मुलाजमीन हैं, जो नौकरी करना चाहते हैं, करने के काबिल हैं, उनको आप जो है वो अब अपनी लिस्ट पे ले आए, और उसके बाद आप वहां पे टीचर्स को, वहां पे डॉक्टर्स को तनख्वाह दें, वहां पे मेडिसिन दें, और इन दोनों अदारों को जो है वो ऑपरेशनल रखें। अच्छा, तो ये जो ये मिलियन डॉलर का ये बैकग्राउंड है। जी जी, ये जो मिलियन डॉलर नहीं, ये मिलियन रुपये होंगे। नहीं सर, मिलियन डॉलर है सर। ये बकायदा बजटेड है, और ये बकायदा उस स्कूल को। लेकिन राणा साहब, अब इन स्कूल्स का क्या स्टेटस है? राणा साहब, अब इन स्कूल्स का क्या स्टेटस है? जी, इसमें जो कमिश्नर लाहौर है वो इन दोनों अदारों के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, और उनकी जेरे निगरानी ये चल रहे हैं। स्कूल भी चल रहा है और हॉस्पिटल भी चल रहा है, यानी आप सरकारी स्कूल का जो खर्चा है वो हुकूमत बर्दाश्त करती है। लेकिन लेकिन बात सर, जो दिलचस्प बात है कि राणा सनाउल्लाह साहब ने अब जमात उद दावा को डिसोन कर दिया है, अब उनके कोई हमदर्दी नहीं रही उनकी। लेकिन मोहित, बात यह है कि राणा सनाउल्लाह साहब ने उसको डिसोन नहीं किया। देखिए, बात यह है कि अगर आप उसको रियलिस्टिकली देखने की जरूरत है ना, 89 ऑनवर्ड आपने गलतियां की। आपने गलती ये की कि सबसे जो बुनियादी गलती आप लोग ने ये की, रियासत पाकिस्तान में जिसमें सभी लोग शामिल थे, हमने गलती ये की कि हमने अपने शहरियों को मर्सनरी बनाने की इजाजत दी। अब जमात उल दावा या जैश, इनका जो बुनियादी मसला यह है कि ये एंटी स्टेट नहीं है, लेकिन जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आपको ये कहती है कि ये दूसरे मुल्कों में टेररिज्म में मुलव्वस हैं, आपके हाथ बंद जाते हैं। या तो आप इतने ताकतवर हो कि आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को अपने साथ चला सके, अगर आप नहीं है तो फिर मसला क्या हो जाता है? कहा था फवाद 2008 में। नहीं सर, नहीं, ये 2008 में उन्होंने जी 2008 में कहा था ना, ये 2015 है। पीर ज़ादा साहब, इसमें मैं ये अर्ज करूं कि ये जो पैसे हैं, ये पैसे जो उन स्कूल की और हॉस्पिटल की दवाइयों के हैं, टीचर्स की, अच्छा, डॉक्टर की तनख्वाहों के हैं। अच्छा, बाकी जहां तक इस बात का तल्लक है, देखें, ये जो आज फॉरेन ऑफिस ने कहा है, इसके ऊपर भी जो है ये बात हो सकती है। अच्छा राणा साहब, मुझे जरा इसमें, मुझे सर इसमें लाने दें, इसमें फरीद पराचा साहब को। पराचा साहब, आपने सबका मौकफ सुन लिया, फवाद चौधरी साहब का भी आपने सुन लिया, मेरा भी सुन लिया आपने, राणा साहब का सुन लिया, आपको क्या लग रहा है, क्या किया जा रहा है, पाकिस्तान हुकूमत क्या कर रही? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिये, एक तो आप टाइमिंग देखें, किस मौके के ऊपर ये काम हो रहा है। अखबार मुतदा की फहरिस्त तो पहले भी थी, और ये बात कि अगर ओबामा दौरा वहां कर रहा है और आप भारत को ये मैसेज दे रहे हैं और अमेरिका को भी ये मैसेज दे रहे हैं कि हम आपकी ताबेदारी कर रहे हैं, आपने जमात दावा पर अगर इल्जाम लगाया है, अब तक हमारा मौकफ ये था कि हमारी अदालतों ने बरी किया है, कहीं कोई इसमें तो मुलव्वस नहीं है, भारत ने कोई सबूत नहीं दिया है, और उसके साथ साथ ये कि जमात दावा की तरफ से खिदमत खल्क के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, एम्बुलेंस सर्विसें चल रही हैं, तो सैलाब जदगान की मदद करते हैं। यही अखवाम मुतहदा, यानी जब कश्मीर में जलजला आया या सैलाब आया, तो उस मौके पर जमात दावा के साथ मिलकर काम अखवाम मुतहदा के इदारे कर रहे थे, इनको वो टेंट दे रहे थे, इनके साथ वो अपना इमदादी सामान दे रहे थे। तो गोया के जहां से अगर कोई चीज आ जाती है, हम समझते हैं कि जैसे हमारे लिए नऊज बिल्ला को कुरान की आयत आ गई है, कभी हमने उसको फाइट करने की कोशिश नहीं की। अपना अपना हमारा केस है, यानी अच्छा, हम फाइट अगर उसमें क्या करें, मोहित ज्यादा साहब मसला क्या है? मसला यह है कि फाइट आप उसको क्या करें? काउंसिल की क्वेश्चन रेज करें, जरा मुझे तो वहां पे कोई इस्लामी मुल्क भी आपके साथ खड़ा नहीं होता, और सारे इस्लामी मुल्क भी जो है वो साथ मिलकर कहते हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप गुजारिश है फवाद साहब, गुजारिश यह है कि मुझे बात मुकम्मल करने दें। आपकी तो जो बातें हैं वो पिछले 2500 साल से एक तरह की हैं, ये साबित तो फिर हमें सही हो रहे हैं ना पराचा साहब, आप तो गलत साबित हो रहे हैं ना। आप ही सही हो रहे हैं, यानी जी हाँ। अब मेरे बात जरा मुकम्मल करने दें कि कश्मीर हमारा इशू है, और हमारा हमारे जो है वो फॉरन ऑफिस ये बात कर रहा है के जनाब लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो मामलात हैं, इनको हम तवक्को करते हैं कि वो इसको सेटल करवाएंगे। यदि अंदाजा करें, हम अपनी सारी चीजों से पीछे हट रहे हैं। कश्मीर का इशू है, दरियाई पानियों का इशू है, सियाचिन का इशू है, सर क्रीक का इशू है, भारत की तरफ से होने वाली पाकिस्तान में मुदाखलत है, और यहां पर जो दहशतगर्दी हो रही है उसका इशू है, और इसके साथ लाइन ऑफ कंट्रोल का भी इशू है।
लेकिन यह कि हम अपना फोकस क्या कर रहे हैं, दो मरतबा वो भारत जा चुके हैं ओबामा साहब, और उनके साथ उनके जो मामलात हो रहे हैं और उसके जो हम भुगत रहे हैं वो भी सारी सामने है, जो दहशतगर्दी अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान किए हैं, ये बिल्कुल सही बात आपने की है। फवाद इसको जारी रखते हैं, फवाद इसको जारी रखते हैं, इसको फवाद अपने फवाद अपना पूरी बात मुकम्मल कीजिएगा, ब्रेक हम ले लें, ब्रेक के बाद फवाद अपनी बात मुकम्मल करेंगे। पराचा साहब भी हैं हमारे साथ और आना सनाउल्लाह साहब भी हैं, आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक, छोटा सा हमारा सेगमेंट है, छह मिनट हमारे पास है, बहुत तेजी से हम बात करते हैं। फवाद साहब क्विकली अपनी बात मुकम्मल कीजिए। तो पराचा साहब ने गुफ्तगू की है वो वाकईतन हमारी नाकामियां हैं और हमारी नाकामियां हिंदुस्तान की कामयाबियां हैं। सवाल यह है कि यह क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि हमने कोटलिया चांकिया ने जो 5000 साल पहले अर्थशास्त्र में, मैकेवेली ने जो 600 साल पहले प्रिंस में, और तमाम ही पॉलिटिकल फिलोसफर्स इस बात पे कन्विंस हैं कि कभी भी आप अपने लोगों को मर्सनरीज नहीं बनाते, आपने बनाए और अब आप आके इस मुसीबत में फंस गए कि इन लोगों को छुटकारा कैसे मिले, इन लोगों को वापस इंटीग्रेट कैसे किया जाए। आप देखें जब पाकिस्तान के सिपाही, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की पुलिस फिजी में जाती है, रवांडा में जाती है, वो वहां पे इंतहाई कामयाब क्यों होती है? वो पेशावर में क्यों फेल हो रही है? वो केपीके में इधर क्यों फेल हो रही है? क्योंकि आप वहां पर एज ए फॉरन आर्मी, फॉरन फोर्स जाते हैं। जब एक फॉरन, आप हिंदुस्तान को इसलिए हम ब्लेम नहीं कर पाते कि इसमें कोई शुबा नहीं कि वो पाकिस्तान में टेररिज्म में मुलव्वस है, बट वो अपने शहरियों को इस्तेमाल नहीं कर रहे यहां पे। लिहाजा ठीक पराचा साहब, मेरा ख्याल यह है कि ये चांकिया और मैकावेली ये तो कोई हवाले नहीं है, और ये जिन्होंने दुनिया को तबाह बर्बाद करने के असूल दिए हैं उनके हवाले दे रहे हैं। बहरहाल यह कि अपने मुल्क के हमारे जो है हमारी अफवाजें पाकिस्तान, पाकिस्तान जमात इस्लामी ने माशाल्लाह बहुत गंदा किरदार अदा किया है सारे मामले में। बहस पे आ रहे हैं कि मैं आपको आपको जबरदस्त जवाब दे सकता हूं और आपको पता है और आप मुझसे गुफ्तगू, आप उस एंड पे अब नहीं है, आप एक प्रोग्राम के अंदर एक एंकर के तौर पे हैं, अब उस एंड पे आप नहीं है। ये सियासत आप या कर रहे हैं या साजिश कर रहे हैं, ये दोनों आप बहुत कर चुके हैं, अब इसको छोड़ दें। अब जरा डिबेट है और उसका भी कोई आदाब है, उसके मुताबिक चले। बहरहाल ये है कि मतलब इस्लामी ने सर ट्रेन नहीं किए लोग, आप कह रहे हैं हमने ट्रेन नहीं किए जहाज के लिए और कश्मीर जहाज के लिए, अपने मफादात की बात की है, हम पाकिस्तान के मफादात की बात करते हैं, आप इंडिया के मफादात की बात करेंगे, मैं उसकी मुखालफत करूंगा, मैं हमेशा पाकिस्तान के मफादात की बात करूंगा। और बहरहाल अब इस वक्त हम अपने मुल्क के मफाद की बात कर रहे हैं, जिसको आप मफाद समझते रहे हैं और समझ रहे हैं वो भी अमेरिकन डॉलर्स के पास। राणा साहब एक सवाल आपके लिए है, राणा साहब मैं आपको इसके लेके आना चाहता हूं। राणा सनाउल्लाह साहब को मैं क्विकली कि जो हमारे जी राणा साहब आप जानते हैं कि कश्मीर पे हमारा एक असूली मौकफ था, रियासतें किसी वक्त भी अपनी चीजों पे कॉम्प्रोमाइज करती हैं, हम मानते हैं इस चीज को कि रियासतें अपने इंटरेस्ट को प्रिजर्व करती हैं, लेकिन अगर तो हम हिंदुस्तान के साथ अमेरिका के जरिए कोई ऐसी नेगोशिएशन कर रही है हमारी हुकूमत जिसके नतीजे में हिंदुस्तान जो हमारे यहां सेक्टेरियन ऑर्गेनाइजेशन को, टीटीपी को, तालिबान के ग्रुप्स को और खास करके बलोच इंसर्जेंट्स को जो मदद करते हैं, तब उससे अगर वो अपना हाथ खींचने की बात कर रहे हैं, अमरीका कोई ऐसी नेगोशिएशन करवा रहा है, तब तो इस बात की तुक भी बनती है। वरना अगर एक चीज अकवामे मुत्तहिदा की 2008 से चली आ रही थी तो इस मौके पे तो ऐसा लगता है कि हमारी हुकूमत की फॉरेन पॉलिसी जो है आपकी हुकूमत की वो बिल्कुल कलैप्स होती चली जा रही है। अगर हम सिर्फ प्रेसिडेंट ओबामा को जाने से पहले एक अच्छा एटमॉस्फेरिक्स देना चाहते हैं, अच्छे ऑप्टिक्स देना चाहते हैं साउथ एशिया में, तो ये तो सर फिर आपकी फॉरेन पॉलिसी की, आपकी हुकूमत की बड़ी नाकामी है। राणा साहब देखिये पीरजादा साहब, आज जो सच और जो हकीकत हमारे सामने है वो ये है कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान इन जगहों पे जो मिलिटेंसी है या उसे आप दहशतगर्दी कहें, ये दहशतगर्दी का खात्मा जो है जब भी होगा पूरे खित्ते में होगा। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में हम दहशतगर्दी जो है वो खत्म कर लें और अगर कश्मीर में कोई ऐसा वाकया हो जिसे वो दहशतगर्दी कहें हम जिहाद कहें, अगर अफगानिस्तान में वहां पे कोई वाकया करे हम उसके ऊपर जो है वो आंखें बंद करें और कहें कि ये क्योंकि हमारे यहां कुछ नहीं कर रहे तो लिहाजा हमें इनकी तरफ देखने की जरूरत नहीं है, ऐसे नहीं होगा।
अब ये तीनों रियासतें जो हैं अगर इस मिलिटेंसी को दहशतगर्दी को जो है वो जड़ से उखाड़ फेंकना चाहती हैं तो उनको इस पूरे खित्ते में इस मिलिटेंसी का और इस दहशतगर्दी का जो है वो तदारक करना होगा। ये नहीं हो सकता कि एक मुल्क में हो। सर मैं समझ गया सर, मेरे पास एक आध मिनट है, मैं बहुत ही क्विकली फरीद पराचा साहब, आपकी जमात कल आज कराची में बहुत बड़े इजमा हुए लेकिन कल आपकी जमात एक मिलियन मार्च ऑर्गेनाइज कर रही है इस्लामाबाद के अंदर, सर आपका बुनियादी जो गोल है वो मकसद है क्या, क्या हासिल करना चाहते हैं आप? डॉक्टर साहब एक तो ये बहुत जरूरी था इसलिए कि जो वहां पे पेरिस के अंदर जो एक 3 मिलियन का एक बड़ा एहतजाज हुआ और उसको उसके अंदर फिर वही खाके जो है वो दिखाए गए, फिर इन्हीं चीजों को प्रमोट किया गया। 40 ममालिक ने इनको सपोर्ट किया, इस सारी टेररिज्म को इस दहशतगर्दी को 40 ममालिक के हृदय। अब जहां तक है कि ये तो हमारा एहतजाज है, हमने अपने जज्बात का इजहार करना है, लेकिन करने वाली बात यह है जो हमारे हुक्मरानों को करनी चाहिए कि स्टेट के लेवल पर हुक्मरानों के लेवल पर इस बारे में कानून साजी करवाने के लिए खुद अकवामे मुत्तहिदा का चार्टर का आर्टिकल 2 और आर्टिकल 5 है और उसके बिल्कुल वाजे है और उसके मुताबिक कानून साजी हो सकती है, आलमी कानून मौजूद है। डॉक्टर साहब उसके बाद उस पर अमल जो है वक्त हमारा खत्म हो गया है, मैं आखिर में इतना ही कहूंगा कि फरीद पाचा साहब ने बात तो मुनासिब की है लेकिन जरूरत इस चीज की है कि हम सिर्फ पाकिस्तान में मुजाहरे न करें, जब भी ये तौहीन आमे इस खाके या इस किस्म की चीजें कहीं पर भी होती हैं यूरोप में या अमरीका में, खासकर के यूरोप में होती हैं तो उसके नतीजे में आलम इस्लाम मुसलमान दुनिया से कट जाती है, आइसोलेट हो जाती है। इस मुल्क में कई बरस हो गए हैं, YouTube बंद है, ये तमाम चीजें दुनिया के मुसलमानों के लिए नुकसानदेह हैं। हम दुनिया का हिस्सा बनना चाहते हैं, जरूरत इस चीज की है कि मुस्लिम ममालिक की लीडरशिप जो है वो दुनिया की लीडरशिप के साथ मिलकर बैठे और इस मसले का कोई हल निकाले। पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, सऊदी अरब, अरब ममालिक और बहुत से ममालिक जो है ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। महज पाकिस्तान में मुजाहरे करने जो है वो कोई बहुत बड़ा कामयाबी नहीं हो सकती, बहुत बड़ा मसला है, यह बहुत बड़ा चैलेंज है आइसोलेशन का। इसी बात पर हम आज के इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। बहुत शुक्रिया।